स्टार्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। आज जैसा कि आप जानते हैं भारत बंद है। इस वक्त हम पटना के डाक बंगले चौराहा पर खड़े हैं। किस तरह से हम दिखा रहे हैं लोग जो है वो सर आज भारत बंद का आह्वान किया है। क्या कुछ सरकार से दिक्कतें हैं बताइए। दिक्कत है, पब्लिक जनता कराई है महंगाई से। पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं, डीजल का दाम देखिए, गैस का दाम देखिए। आपका दूसरा चीज है कि रुपया का जो हालात हो गया है, मोदी सरकार रुपया का बलात्कार कर दिया, इस देश के करेंसी का बलात्कार हुआ है। 2013 में भी जब पेट्रोल का दाम हुआ था तो रविशंकर जी साइकिल पर घूमते थे, आज नहीं घूम रहे। सारे के सारे लोग सिलेंडर ले लेके और सब्जी कच्चा लेके और साइकिल पर घूम रहे थे। आज इन लोग को शर्म नहीं आ रही है कि मतलब कि सब देश का सबसे उच्च स्तर पर आज पेट्रोल और डीजल और गैस सिलेंडर का दाम चला गया। मैं नरेंद्र मोदी से अभी तुरंत इस्तीफा मांगता हूं कि उससे ये देश चलने वाला नहीं है। देश कोई विभाजन कर देगा, टुकड़े टुकड़े में कर देगा, इसलिए नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। आज सभी लोगों का समर्थन है आप लोगों को? पूरा महागठबंधन का समर्थन है, 21-22 साथियों का ये है। और जो पटना वासी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि स्वतः आज पूरा बिहार बंद है, पूरा भारत बंद। एक तरफ आप लोग भारत बंदी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि सब नौटंकीबाज है, नौटंकी कर रहे हैं। जो नौटंकीबाज रहता है वही सब बात का विचार करता है, सोचता है उसका मन बनाएगा। वो तो पूरे देश को नौटंकीबाज बना दिया है, देश तराई तराई है। मैं बता देता हूँ कि देश का पहला ही प्राइम मिनिस्टर होगा कि जो देश छोड़ के भागेगा आने वाले दिनों में। अभी ये बंद पूरा दिन भर चलेगा? दिन भर चलेगा। स्वतः आम जनता का सहयोग। आम जनता पूरी रोड पर आ चुकी है, त्राही त्राही कर रही है। किस तरह से हम आपको पटना के डाक बंगला चौराहे का नजारा दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ हम लोगों के साथ दिखाना चाहेंगे तस्वीरें। किस तरह से नारेबाजी लगाई जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज देश में महंगाई चरम सीमा पे आ गई है, आम वर्ग मध्यम वर्ग आज त्राही त्राही है। जिस डीजल और पेट्रोल और गैस के नाम पर जो सिलेंडर लेकर के निकलते थे, सब्जियों की माला पहन करके निकलते थे, और अभी आपने ही बताया कि साइकिल पर निकलते थे, तो कौन स्टंटबाजी कर रहा है, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है, वो पूर्व में दिख चुका है। और आज जो है कि आम जनता स्वतः निकल चुकी है, आम जनता त्राही है, कोई राजनीतिक लोग नहीं है इसमें। आम जनता की सहभागिता है, आम जनता का सहयोग है। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो इनका आने वाला चुनाव में आम जनता इनसे बदला लेगी। इस तरह से आम लोग सड़क पर उतर गए हैं, क्या लगता है 2019 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? बिल्कुल आम जनता जिस तरीके से उतरी हुई है, 2019 में इनका जाना तय लिखा हुआ है। महंगाई एक तरफ है, आज जो है कि जो रुपया है डॉलर के मुताबिक हमारा नीचे का स्तर जा चुका है। हर तरह से जो है कि त्राही माम है पूरा देश। प्रधानमंत्री चुप है? प्रधानमंत्री तो जो है कि उनको तो देश भ्रमण से फुर्सत ही नहीं मिलता है। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो कि वह एक हिस्ट्री बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे, कि जो प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश का भ्रमण करने वाले इतिहासकार प्रधानमंत्री होंगे। जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें लगातार दिखाई है, आज 20 राजनीतिक दलों को इस भारत बंद का समर्थन प्राप्त है। उसके बाद जिस तरह से इस वक्त हम डाक बंगला चौराहे पर खड़े हैं, नारेबाजी लगाई जा रही है हर जगह राजद के साथ साथ, जहाँ पप्पू यादव की पार्टी जो है उनका भी समर्थन उन्हें प्राप्त है। हम आम जगह की भी दिखाएंगे किस तरह से, वो सड़कों की तस्वीर दिखाएंगे। सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है ही, साथ साथ हम उस सड़क की तस्वीर दिखाएंगे किस तरह से जो लोग है वो लगातार बैठ चुके हैं सड़क पर, उनकी तस्वीरें हम दिखाएंगे। हम चाहेंगे हर वो तस्वीर से आपको रूबरू कराए। न्यूज बिहार लगातार आपको लाइव के माध्यम से दिखा रहा है किस तरह से जो युवा है लगातार क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार। महंगाई नहीं रोक रहे, महंगाई बहुत बढ़ चुके हैं। पेट्रोल 86 रुपए, डीजल 76 रुपए लीटर हो चुकी है। 86 रुपए पेट्रोल है, डीजल 76 रुपए। नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं। किस तरह से सड़कों पर बैठे हुए हैं लोग, हमने नजारा आपको दिखाया है। इस वक्त हम पटना के डाक बंगला चौराहे पर खड़े हैं, जो नजारा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लाइव के माध्यम से, किस तरह से लगातार हर वो शख्स किस तरह से, देखिए बाजा जो है वो भी बज रहा है, बैनर के जरिए सब जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खैर, तरह से आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे, जो आर्मी के जवान है, जो जितने बिहार पुलिस में है, वो सभी लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद है।
किस तरह से कांग्रेस के वो झंडे सभी लोग जो आपको दिखा रहे हैं, किस डाक बंगला का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के तरफ से राजद के झंडे, कांग्रेस के झंडे और पप्पू यादव की पार्टी, उनका भी समर्थन प्राप्त है इस बंद को, इस कवरेज को आपको लगातार दिखा रहे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे से इस वक्त हम लाइव है। किस तरह से हमने आपको लोगों को भी सुनवाया, उनमें आक्रोश है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रुपया का स्तर गिरते जा रहा है डॉलर के मुताबिक, इस चीज को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है लोग। कहना चाह रहे हैं कि आम जनता जो है वो त्रस्त है, कहीं ना कहीं जो है उनमें आक्रोश है सरकार को लेकर के। हम चाहेंगे हर वो तस्वीर दिखाएं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। स्कूल, एम्बुलेंस, सब चीजों को आज दूर रखा गया है, स्कूल को बंद कर दिया गया है, कोई भी एम्बुलेंस किसी भी तरह की कोई भी सुविधाएं जो है उसे हानि नहीं पहुंचेगी, दवा दुकान जो है वो खुले हैं, ऐसा कल बताया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हमने आपको मुखातिब करवाया था। उसके बाद जिस तरह से जो देखिए प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, हर वो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार आप वो हर वो तस्वीर देख रहे होंगे न्यूज बिहार के माध्यम से, किस तरह से राजद के तरफ से गैस और पेट्रोल के दामों को लेकर के हल्ला बोला जा रहा है डाक बंगला चौराहे का। इस वक्त हम हर वो तस्वीर के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, इतने बड़े समर्थन, इतने बड़े पैमाने पर सभी लोग राजद की तरफ से, देखिए लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है, किसी भी तरह की कोई परेशानी तो नहीं दी जा रही, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं जा रही है, जो इमरजेंसी चीज है उसको छोड़ दिया जा रहा है, सब सहयोग, खाना, एम्बुलेंस, सब कुछ सब छोड़ है, सब फ्री है, जो इमरजेंसी है उसके लिए फ्री है, कोई डिस्टर्ब नहीं है, किसी भी तरह कर रहा है, सब तरह की सहायता भी दी जा रही है, जिस तरह से हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से घोड़े पर सवार होकर आए हुए हैं, और हम लोग का ये गैस का दाम 1000 रुपए दे रहा है, गरीब कितना कमाएगा, और सरकार तो गरीब को जान दे चुकी है, हम लोग भी तो देखिए लाइव चल रहा, तो लगातार हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सर आप घोड़ा बिना डीजल और पेट्रोल की सवारी है, यह गरीबों की सवारी है, इसलिए हम लोग घोड़ा और टमटम पे आए हैं, घोड़े टमटम पे आए हुए हैं, हमने आपको मुखातिब करवाया है उनसे भी, किस तरह से लगातार देखिए किस तरह से टमटम पे सवार होकर डाक बंगला चौराहे पे इस वक्त लोग आए हुए हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, किस तरह से जो प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ते जा रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हुए हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं आक्रोश है, सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है इनको, और आज जिस तरह से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जिस तरह जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है गरीबों का शोषण करना बंद करो। प्रधानमंत्री चुप क्यों, प्रधानमंत्री की आवाज बंद हो चुका है, उनको अब खाली सिर्फ और सिर्फ विदेश घूमना है। प्रधानमंत्री चुप नहीं है, पहले मेरी भी बात को सुनिए, आज हमारे देश के एक एक नागरिक गुलाम है, एक पार्टी और एक व्यक्ति के चलते, समझे, इसलिए हम लोग आज के डेट में पूरे देशवासी, नौजवान साथी, सभी बेरोजगार लोग, पूरे एक एक आदमी पूंजीपतियों को छोड़कर सभी लोग गुलाम है, आज हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं भारत के हर नागरिक। जिस तरह से हमने तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरह से टमटम घोड़े पर सवार होकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि देश को लोग कहीं ना कहीं गुलाम है, प्रधानमंत्री की चुप्पी पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से लगातार हर वो तस्वीर से आपको मुखातिब करा रहे हैं, किस तरह से लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, टमटम घोड़े पर सवार होकर आए हैं, किस तरह से लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। बने रहे न्यूज बिहार के साथ, हम हर पल की तस्वीरों के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे, हर वो तस्वीर जो इस वक्त डाक बंगले चौराहे पर जुड़ी आ रही है उससे हम आपको मुखातिब करा रहे हैं, दिखा रहे हैं हर वो व्यवस्था को। देखिए किस तरह से टायर जलाया जा रहा है, सड़क को जाम किया जा रहा है, लगातार आप हर वो तस्वीर देख रहे हैं, पटना के डाक बंगला चौराहे से हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद लालू राबड़ी के नाम के नारे लग रहे हैं। पेट्रोल किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार वो तस्वीरें देख रहे होंगे। पूरा भारत बंद रहेगा इसका नारा लगाया जा रहा है लगातार। किस तरह से आप नजारा देख रहे हैं, पटना के डाक बंगले चौराहे से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लगातार। किस तरह से लोग सड़कों पर बैठ चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस वक्त, पटना के डाक बंगले चौराहे से इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं किस तरह से जो राजद की तरफ से समर्थन दिया गया है कांग्रेस के इस बंद को, आज उसे कहीं ना कहीं जन अधिकार पार्टी की तरफ से भी इसको समर्थन दिया गया है। राजद का समर्थन है, सभी 20 राजनीतिक दलों का समर्थन है। गरीबों का शोषण करना बंद करो, ये पूरा जो नारा लगाया जा रहा है। किस तरह से भीड़ जुटा दिया गया था डाक बंगला चौराहे पर, हमने आपको इससे मुखातिब कराया। हम हर वो तस्वीर के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे, बताते रहेंगे। पटना के डाक बंगला चौराहे से इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे। जुड़े रहे न्यूज बिहार के साथ, हम पल पल की खबरों के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।